हाय गाइस, हेलो। सो मेकअप करने से पहले आपको आपके स्किन को हाइड्रेटेड करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पानी पिया। ऐसा कुछ नहीं है, प्यास लग रहा था इसलिए मैं पानी पी रही थी। ओके गाइस, सो गाइस आज मैं मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। ओ मैंने इंट्रो तो दे नहीं दिया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल फरहत एहसान विद अनदर वीडियो। तो मैं लेकर आई हूँ आज एक मेकअप ट्यूटोरियल, और ये लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ साड़ी के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिलहाल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ऐसा कोई वीडियो बना रही हूँ, ट्यूटोरियल बना रही हूँ मेकअप का, और समर्स के लिए, समर वाइब्स है। एक्चुअली समर्स में यू नो बहुत ज़्यादा मेकअप हमारे स्किन को बहुत हैवी कर देता है, फेस बहुत हैवी हो जाता है, स्वेटिंग होती है, तो इस वजह से हमारा मेकअप बहुत केकिंग भी हो जाता है और हमारा जो स्किन है वो ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। तो हम आज करने वाले हैं बहुत ही लाइट और सिंपल मेकअप। अब ये चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है गार्नियर लाइट कंप्लीट, ठीक है। देन हमें हमारा करना है बेस मेकअप। ओके, तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ अपनी आईब्रो, उसके बाद मैं करूँगी मेकअप। अब मैं करने वाली हूँ बेस मेकअप। ओके गाइस, बेस मेकअप के लिए मेरे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्टली क्योंकि हमें अपना बेस जो है बहुत लाइट चाहिए, लाइट वेट रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखना है समर्स में, तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, दो मेकअप प्रोडक्ट हैं। तो अगर आपके पास आप फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन गो विद दिस इनसाइड फाउंडेशन अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन फाउंडेशन। इसमें बहुत सारे शेड आ जाएंगे। मेरा शेड है 04 वार्म न्यूड, ठीक है। तो अगर आपको बहुत लाइट बेस चाहिए विथ फाउंडेशन तो आप इस फाउंडेशन के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है तो आप स्विच टू बेबी क्रीम, पॉन्स का बेबी क्रीम, ये बेस्ट है, पॉन्स का बेबी क्रीम इज बेस्ट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ विद द फाउंडेशन, ठीक है। ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है गाइज, तो ये बहुत लाइट वेट है, पता भी नहीं लगता कि स्किन में यू नो कुछ मेकअप है। तो चलो इसके साथ, तो अगर आपको ग्लोई लुक चाहिए तो यू नो नेचुरल ग्लोई लुक चाहिए तो आप इसमें इल्यूमिनेटर ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी बता दूंगी कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये मैंने लिया अपने हाथ। सो गाइस, आप देख सकते हो हमारी स्किन ऑलरेडी ग्लो कर रही है। नाउ नेक्स्ट इज कंसीलर, दुनिया भर के डार्क सर्कल्स। तो बायोटिक का कॉम्पैक्ट है तो इसे हम पैक कर लेंगे। खत्म हो गया गाइस। शुगर पॉप का मेरे पास कॉम्पैक्ट है, फटाफट से लगा लेती हूँ। तो हमारा बेस मेकअप तो हो गया है गाइस, पागल ही बन रहे हैं हम लोग। चलो आई की मेकअप कर लेते हैं, आई मेकअप कर लेते हैं। ओके, दिस सिवाना कलर का आई पैलेट, जिसमें से मैं, क्योंकि मैं पिंक साड़ी वेयर करने वाली हूँ तो इसमें से मैं लूँगी ये पिंक शेड, तो ये वाला शेड लूँगी मैं, नो वगैरह। अच्छे से कंटेंट क्रिएट होकर थोड़ा शेड ले लेती हूँ। को लेते हुए गाइस, शेड आपको लेना है
इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी ओके तो आई मेकअप भी इज डन. नेक्स्ट इज कॉन्टोरिंग. अगर आप कॉन्टोरिंग करना चाहते हैं, आपका फेस थोड़ा चब्बी और उसको आप शेप देना चाहते हो, तो आप कॉन्टोरिंग कर सकते हो. एल्स आप स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ ब्लश लगा के आप पार्टी में जा सकते हो. बट आज मैं फुल मेकअप करने वाली हूँ, कॉन्टोरिंग विद ब्लशिंग एंड ऑल, तो वो सब मैं दिखाऊँगी आपको. के लिए मैंने ये ब्रश लिया है. ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ ये टिंट. स्विस ब्यूटी का टिंट है ये गाइस. एंड द लास्ट इज हाइलाइटर. कंटेंट क्रिएटर बने गई तू. तो ये एन वाई बी का हाइलाइटर है इन द शेड क्वीन 7. मैंने नहीं लगाया लिपस्टिक, मैं बाद में लगाऊंगी टू कंप्लीट माय लुक. और मेकअप कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग. ये है मेरी साड़ी जिसको मैंने ब्लैक ब्लाउज के साथ पेयर अप किया है. कैसे लग रही हूँ मैं गाइस? सो मेरा मेकअप बहुत ही सटल मेकअप मैंने किया है, बहुत ही लाइट वेट, थोड़ा सा भी फील नहीं हो रहा है फेस पे, एकदम हैवीनेस. एंड अब है लास्ट मेरे लिप की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइनर कहाँ गया? हाँ, तो सबसे पहले मैं लाइन करूँगी अपने लिप को. एंड देन guys, this is my complete look.